बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल करम रहमत और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज तकरीबन असर के नमाज़ के लिए मैं जा रहा हूँ अभी, तो आज मैं जो है वो रात की रूटीन भी दिखाऊंगा कि रात को हम जो है किस तरह वर्क करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो हम विलेज में ये चीज़ें जो हो नाइट के वक्त होती हैं और पता जा रहे हैं पता अक्सर आपने इसको अख्तियार के ब्लॉगों में देखा होगा। हमने बना लिया है, फजर के टाइम पे भी हमने बना लिया है, अभी मगरिब के बाद का अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो अभी जो है वो असर की अज़ान जो है वो शुरू हो गई है, अभी हम सुनेंगे अज़ान। वज़ू तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, अज़ान सुन के अभी जी मगरिब को तकरीबन जो मिनट बचे हैं वो शायद मेरे ख्याल से 20 गालिबन इतना होगा। तो सलीम भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं, अभी हम घर की तरफ चाय वगैरह पियेंगे, फिर मैं उस साइड से गांव के पिछले साइड से जो घूम के आऊँगा वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से हम किस तरह आते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये गाड़ी की जो कोठी है, यहाँ से हमें मतलब यहाँ से हमें घूम के यहाँ से आना पड़ता है, फिर इधर जाना पड़ता है। चलते हैं जी। तो जी अभी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, इकबाल भाई भी हमारे साथ हैं, अभी जा रहे हैं। अरे इकबाल भाई जी, भाई भाई भोर रात करना है, पार्टी करनी है। करेंगे कब? कब करेंगे? जब आप बोलो, हम तो आपके गर्मी का मौसम है यार। क्या हुआ, हम कुछ और बना लेंगे। अच्छा। वो मुदस्सिर भाई के वो नहीं, वो मुबशर भाई के वीडियोस देखकर हम एक रेसिपी, अच्छा सा रेसिपी बनाएंगे जो गर्मी के हिसाब से हो। अच्छा। वो हम खाएंगे। अब आपकी मर्जी है, हम बोले कल करें। ठीक है, डन। तो भाई कल हम सब की पार्टी है तकरीबन हम किस टाइम पे? इसी टाइम पे हम आपके साथ मिलेंगे और अच्छा सा खाना बना के हम आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। तो जी हमने बोला था कि हम रात को शूट करेंगे, लेकिन रात को हम शूट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 1:15 बजे कल लाइट गई थी और अभी तक नहीं आई है। तो अभी चेक करते हैं, बटन भी लगे हुए। नो, नॉन स्ट्राइक, मतलब अभी तक लाइट जो है वो नहीं आई हुई है। तो जैसे कि कल हमने डिसाइड किया था कि हम मस्जिद की जो ये चटाइयाँ हैं ये सारी निकाल के हम धुलाई करेंगे, वो वाली भी हैं बाहर भी पड़ी हुई हैं 2-3, तो वो सारी जो है वो हम धुलाई करेंगे। तो इसी वजह से रात मैंने सिर्फ एक ही शॉट लिया था, ज़्यादा नहीं ले पाया था क्योंकि लाइट होती तो ज़्यादा लेते, लेकिन लाइट जो है वो नहीं थी। तो उसी वजह से तो इस खिड़की से जो है वो हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पे खड़ा होने का अपना ही मज़ा है। तो अल्लाह ताला ने हमें यही शर्फ बख्शा है कि हम इस जगह पर खड़े होके नमाज वगैरह यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, ऐसे हमें खड़े होना पड़ता है। सब जो है वो हमारे पीछे होते हैं, इस बात का तकब्बुर नहीं है हमें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस काबिल समझा कि अपनी मस्जिद के अपने घर का हमें इमाम बनाया, ये भी हमारे लिए काबिल शर्फ है। तो चूँकि अभी मस्जिद की सफाई करनी है, सबसे पहले मैं सुबह आया था यहाँ पर, सुबह से लेकर यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई आ जाए, लेकिन अभी जो है वो मुनव्वर भाई भी आ गए हैं और दूसरा कोई नहीं आया अभी तक। देखते हैं गुलाम भाई किस टाइम पे आते हैं, मुनव्वर भाई आ गए हैं तो वो भी आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे अभी हम निकालेंगे इनको, निकाल के फिर धुलाई करेंगे। तो जी लाइट ना होने की वजह से टंकी जो है बिल्कुल खाली है, पानी यहाँ पर अभी मौजूद ही नहीं है। ये देखें इसे पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। रात भी हम ऐसे ही बैठे थे और वो जो मुनव्वर भाई अभी वो गायें वगैरह बांध रहे हैं, तो वो जैसे ही गायें वगैरह बांधेंगे फिर हम इंशाल्लाह
ये काम करेंगे, गुलाम भी तब तक हो सकता है आ जाए। तो जी ये सारा कुछ निकाल दिए, अभी जो है वो बाहर की जानिब से जो रहता है बाहर हमारा, ये सभी निकालना है। तो अभी जी हमने ये निकाल दिए, ले जा रहे हैं तालाब की जानिब, तो गुलाम भाई जा रहे हैं उधर, जो तालाब जो आपने वीडियो में देखा था वही है, लेके जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर तालाब पर हम पहुँच चुके हैं, ये तालाब है, यहाँ से हमें निकल के फिर वहाँ लेके जाना है, वहाँ घास में हमें सुखाना है इसको। देखिए देखे मरे ये हल्का तो भोजन सब सही है, लगते तो मोह नकरे। मथा पानी सुखी दो। पानी यहीं सुखी दो, ये हल्का न तो अभी जी सारे धुल गए हैं जो हमने सुखा दिए हैं यहाँ पर, ये मस्जिद के मुसल्ले और ये भी दो, ये एक वो दूर जो लगा हुआ। अभी हम चल रहे हैं नूर भाई और गुलाम भाई, अभी जी सिर्फ झाड़ू ही निकालना है। एक थैली बल लगल हो जस, मैं जो है वो मुकम्मल गीला हूँ ये देखें, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये मेरे पाँव के ही निशान है, थोड़ा अंदर गया था, अभी बाहर ही खड़ा रहते हैं जब तक पानी जो है वो सूख जाए। तो अभी जो है वो सफाई जो सारी क्लियर हो गई है, घास हो गया, अगर लाइट होती तो हम उसको धुलाई भी कर देते हैं, लेकिन लाइट जो है वो नहीं है, ये भी हो गई है सारी। अभी लाइट आए, लाइट का इंतज़ार हो रहा है, तो फिर इसकी धुलाई हो सकता है हम करें, अगर लाइट नहीं आई तो फिर धुलाई नहीं है, एक मरतबा हम झाड़ू निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पर ख़त्म, क्योंकि अभी हमें जाना है यहाँ पर गेटअप वगैरह चेंज करना है, फिर दूसरा व्लॉग जो है वो शुरू करना है, घर जाके मैं नहाऊँगा, घर टंकी में भी पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर वाटर पंप जो है वो लगे हुए हैं,
तो उसमें से पानी भर के फिर मैं वॉशरूम में जाके मैं नहाऊंगा। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।